एंड ईपीएस भी आ जाता है इसमें, 2010 का मॉडल है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नेहरू ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस डेली देखते होंगे जो बिज़नेस रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूं। आई होप कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलता होगा। तो आज आया हूं मैं सेकेंड हैंड कार के शोरूम में। मेरे साथ है मिस्टर मेहुल आहूजा और आइए इनसे बात करते हैं। ये काफ़ी पढ़े लिखे भी है, MBA पढ़े हुए हैं और ये कार का शोरूम चलाते हैं, इनका फैमिली बिजनेस है। तो चलिए आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं सेकेंड हैंड कार, जो सबसे कम कार और हायर रेंज तक हम लोग देखेंगे और काफ़ी ट्रस्टेबल ये इनका शोरूम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो मेहुल भाई, पहले हम फर्स्ट इस कार से चलते हैं जी, है ना। तो ये क्या प्राइस के हैं आपके पास? ये सर वैगनर है, ये सबसे कम अभी फ़िलहाल में मेरे पास सबसे कम प्राइस वाली गाड़ी यही है। हाँ। इसका ये प्राइस है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की ये गाड़ी है। हाँ। VXI मॉडल है। अच्छा, सो गाइस आप देख सकते हैं कि पहला इनके पास अभी सबसे कम में आप देख सकते हैं कि इनके पास वैगनर है और वैगनर की जो रेट है वो 1,50,000 से आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये लेना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, हमसे। तो इसके थोड़ा फीचर्स हम देख लेते हैं। सर ये VXI मॉडल है, इसकी पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़ एंड EPS भी आ जाता है इसमें, 2010 का मॉडल है ये। और बाकी अंदर सिस्टम भी लगा हुआ है प्रॉपर। एक बार आइए अंदर सर, देख लीजिए। इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स एंड ऑटो कंट्रोल, यहीं से आप कर सकते हैं इसको। हाँ। बाकी सिस्टम और ये सब तो लगा ही है। बाकी हमारे पास नई गाड़ियां भी मिल जाती हैं, जैसे ऊंची गाड़ियां, ऊंचे मॉडल, वो सब भी है हमारे पास। 2019 की, 20 की, 21 की भी आती है, इवन 22 की भी गाड़ियां आती है कोई हमारे पास। हाँ। उनमें आपको जैसे आप ऊपर रेंज में जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे कम में आपको आपके अपने पास यही है? हाँ, सबसे कम में फ़िलहाल मेरे पास यही है। फिर उसके बाद मेरे पास अल्टो है, अगर थोड़ा सा ऊपर रेंज में जाएंगे तो। हाँ। ये 2,15,000 की है। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। ये 2015 का मॉडल है, ये LXI मॉडल है मेरे पास। अच्छा। LXI इज बेस मॉडल है ये। हाँ। इसकी मतलब इसमें LXI में थोड़े से फीचर्स VXI से कम होते हैं और पर सारी मतलब बेसिक चीज़ें इसमें भी सारी रहती हैं। इसकी प्राइजेज आपने 2,15,000 दो नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत? स्लाइटली नेगोशिएबल होता है सर, क्योंकि क्या है कि सर्टिफाइड गाड़ियां भी रहती हैं मेरे पास, तो जो नॉन सर्टिफाइड रहती हैं उनमें हो जाता है एक बार, बट सर्टिफाइड गाड़ियों में तो नेगोशिएबल नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या, कौन सी गाड़ी है? नेक्स्ट मेरे पास सर रिट्ज है, और रिट्ज का प्राइस हमने रखा है 2,75,000 रुपये। 2,00,000? हाँ, 2014 का मॉडल है ये। अच्छा। VXI मॉडल है। अच्छा। उसके बाद मुझे अगर सेम रेंज में जाएंगे तो मेरे पास i10 भी खड़ी है 2014 की। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो भी दिखा दीजिए। हाँ, ये i10 का सेकंड टॉप मॉडल है, स्पोर्ट्स। हाँ हाँ, ये 2014 का मॉडल है। अच्छा, तो ये जो जितने भी गाड़ी आप दिखा रहे हैं ये इसमें कोई प्रॉब्लम्स अभी नहीं? नहीं नहीं, मेरे पास जो गाड़ियाँ रहती है पूरी वेरीफाइड और चेक गाड़ियाँ रहती है। अगर वैसी कोई गाड़ी मेरे पास आ भी जाती है तो मैं वो गाड़ी कस्टमर को कभी भी नहीं देता। वैसे एक दो गाड़ियाँ होती हैं कभी मेरे पास बुरी आ जाती हैं जिनमें कुछ काम निकल जाता है, बट वो गाड़ी मैं फिर किसी थर्ड पर्सन को ही सेल करता हूँ, जो फर्दर मतलब उसको बनवा के बेचे या उन बता के बेचता हूँ कि भाई ये गाड़ी में काम है। वैसे जनरली मैं ऐसी गाड़ियाँ रखता ही नहीं हूँ। तो ये i10 है, ये आपने कितना प्राइस बताया इसका? इसका सर 2,65,000। 2,65,000 इसमें नेगोशिएबल? हाँ, स्लाइटली नेगोशिएबल है। हाँ हाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास वैगनर मिल जाएगी आपको, ब्रियो मिल जाएगी। अच्छा, आप सामने में हमने स्विफ्ट लगा रखी है, वो 2018 की मॉडल है। सामने ब्रेज़ा भी है हमारे पास, 2020 का मॉडल है वो। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेज़ा देख लेते हैं। हाँ, ये 2020 की ब्रेज़ा। अच्छा। हाँ, तो ये क्या प्राइस है इसका? 7,60,000। 7,60,000। अच्छा अच्छा, तो ये काफ़ी नया लग रहा है। हाँ, ये नए मॉडल ही है।
काफ़ी कम चला हुआ है ये। इसकी न्यू में क्या प्राइस है? इसकी न्यू में अब तो मतलब मॉडल चेंज हो गया है, तो अब तो ऑल द वे इसका 14 लाख तक जाता है, 14-15 लाख टच कर जाता है। अच्छा अच्छा। बट ये वाला जो करंट मॉडल था ये 12 लाख के आसपास पड़ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी न्यू मॉडल आ गया है तो प्राइजेस थोड़ी हाइक हो गई है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी रहती हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आती हैं, जैसे सिलेरियो, ये अभी मेरे पास ऑटोमेटिक है, यौन बुकिंग है फिलहाल, बट ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों गाड़ियाँ मेरे पास मिलती है। ये ऑटोमेटिक है? हाँ ये ऑटोमेटिक। ये क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है 3,20,000। 3,20,000 इसकी बुकिंग हो गई है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट आपके पास कौन सी होगी? एक स्विफ्ट है मेरे पास ये। हाँ डीजल में है ये, 2015 का मॉडल है। अच्छा। हाँ VDI। अच्छा अच्छा। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये। हाँ प्राइस क्या बताया आपने इसका? इसका प्राइस है सर 4 लाख। 4 लाख। हाँ अच्छा। तो ये 4 लाख का है दोस्तों, ये गाड़ी देख सकते हैं आप, ये डीजल गाड़ी है एक्चुअली, स्विफ्ट है। तो अगर आपको लग रहा है लेने का मन है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और सर और कौन सी गाड़ी है आपके पास? और तो फिलहाल मेरे पास बाहर में एक खड़ी है, स्विफ्ट है। हाँ वो 2018 की VXI मॉडल, देख लेते हैं उसको भी। हाँ तो ये क्या प्राइस की है? इसका प्राइस है सर 5,60,000। अच्छा। हाँ और इसमें ये टॉप मॉडल है ZXI। अच्छा 2018 की मॉडल है। हाँ और नेक्स्ट, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं सर। ये कौन सी गाड़ी? ये एस्प्रेसो है। एस्प्रेसो। एस्प्रेसो। ये 2019 की मॉडल है। अच्छा इस अच्छा। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस है सर 4,15,000। 4,50,000। 4,50,000। ये क्या प्राइस की है? ये सर 6,30,000 की है। अच्छा। इनोवा 2.5G 2013/14 है, मतलब 13 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है और 14 का रजिस्ट्रेशन है। ओनली कितना बताया आपने? 6,50,000। ओनली 6,30,000 सॉरी 6,30,000 ओनली। ओके सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये इनोवा है हमारे सामने, ओनली 6,30,000 कि हमारे पास इनोवा आप देख सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल है। ओनली 1,50,000 से स्टार्ट होता है इनका कार। वेगनार आप ले सकते हैं, आपको जितने भी कार आपको दिखाए हमने वो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार्स है। और यहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब गाड़ी आपको मिल जाएगा, आपको बकायदा पूरा सर्टिफाइड आपको कार दिया जाएगा। आप फाइनेंस भी करा सकते हैं वेरी इजीली, अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर हैं और ख़ासकर रायपुर से हैं तो आपको बहुत इजीली आपको फाइनेंस हो जाता है। तो आप प्लीज़ अगर आपको ये चाहिए होगा, अगर आपको ख़रीदना होगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा फाइनेंस। और फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हाँ। और RTO नाम ट्रांसफ़र भी हम करवा के देते हैं 15 डेज़ के अंदर। हाँ 15 डेज़ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे कोई अगर सेरामिक कोटिंग वगैरह भी कराना चाहे हाँ। तो वो भी करवा सकते तो हैं। सर का और कुछ भी काम है वो सेरामिक कोटिंग भी करते हैं? सेरामिक कोटिंग भी होती है, रबिंग पॉलिशिंग भी होती है। ओके। हाँ तो उसके मतलब उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। हाँ। अगर किसी को सेरामिक कोटिंग वगैरह भी करानी हो तो वो भी हमारे यहाँ हो जाएगी। तो ये रायपुर में है, रायपुर छत्तीसगढ़, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं नीचे दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Never Give Up India. Bye guys. See you soon.